अब तक आपने देखा कंस के भेजे दानव ने किया अपने विष से यशोदा मैया पर प्रहार, वहीं साहूकार ने यशोदा की जान बचाने के बदले रखा एक विचित्र प्रस्ताव। मुझे आपके ये दो रत्न चाहिए। चलो। बनाया कान्हा और बलराम को अपना दास। अब इन बोरियों को एक एक करके यहाँ से उठा के वहां रखो, समझे? और ये कार्य शीघ्रता से पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा, दंड, समझे? आज देखिए बिच्छू सुर ने किया छल, मित्र सुदामा को बनाया बंदी। कृष्णा, इन बिच्छुओं से मेरी रक्षा करो, ये बिच्छू मुझे काट लेंगे। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैं तो स्वयं सुदामा को मारना चाहता था। ये कौन सी नई लीला है कृष्ण की, क्या होगा अब, आइए देखें आगे। अरे सुदामा सुबल, तुम यहाँ? हाँ, यशोदा काकी ने तुम्हारे लिए माखन भेजा है, अब देर ना करो, शीघ्रता से ये माखन खा लो, कहीं धानु काका ने देख लिया तो। यदि धनु काका को पता नहीं चलेगा तो आनंद कैसे आएगा? अरे दाऊ, मैया ने माखन भेजा है, चलो शीघ्रता से खा लेते हैं, कहीं धनु काका आ गए तो वो हमें माखन नहीं खाने देंगे। अरे बड़े आए इन सपोलों को माखन खिलाने वाले, ला मुझे। और सुनो, अगर आज के बाद इन दुष्टों के लिए माखन तुम लेके आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, जाओ यहां से, जाओ। और तुम क्या हंस रहे हो, हाँ? जाओ जाओ अंदर और घर की सफाई करो, जाओ। चलो दाऊ। अरे जाओ जाओ। अरे इन दुष्टों ने तो थका दिया, भूख भी बहुत लगी है, प्रभा भी जाने मायके से कब आएगी। ऐसा करता हूँ कि इस माखन को ही खा लेता हूँ, थोड़ी भूख तो शांत होगी। अरे बिचूसूर, तुम कृष्णा को काटने आए थे या मुझे? बिच्छू सुर, शीघ्र अति शीघ्र इसका विष निकालो, अन्यथा मर जाएगा ये। जो आज्ञा महाराज। मुझे क्यों मार रहे हो महाराज? वाह, तेरी मृत्यु विष से नहीं, तेरी मृत्यु केवल और केवल मेरे इन हाथों से होगी, इसी कारण तो मैंने तुझे बचाया था। अब समझो महाराज, महाराज भूलोगे? महाराज महाराज महाराज, एक अवसर महाराज। चलो एक अवसर दिया मैंने तुम्हें, परंतु केवल एक अवसर। चुसुर के साथ जाओ और कृष्णा के मृत्यु का षड्यंत्र रचो। बड़ा रसीला है। Thank you.
अच्छा तो तुम हो सुरायु, तुम ही धरोधर प्रतियोगिता में मेरे प्रतिद्वंदी हो ना? मेरे निपुणता देखकर तुम चकित तो नहीं हो गए ना? जब तुम प्रतियोगिता में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सामना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से हुआ है। नहीं, मैं इस त्रिंकुश के समक्ष कुछ भी नहीं। मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। ये शुरायु तो प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर रहा है कान्हा। अरे दुष्ट बालकों, कहाँ थे तुम लोग है? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। एक बात ध्यान से सुनो, अब गुफा में जाओ, वहां पर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं, और शीघ्रता से उठा के घर पे लेके आओ, समझे? ध्यान रहे, वहां बैठ मत जाना, शीघ्र आना, समझे? अब जाओ, निकलो, जल्दी जाओ। तुम लोगों को तनिक भी संदेह ना हो, इसलिए मैंने कहने को कह दिया कि अति शीघ्र आना। किंतु सत्य तो ये है कि तुम लोग गुफा से वापस लौट कर ही नहीं आओगे। तुम्हारे जीवन का यह अंतिम दिन है कृष्णा, मेरा एक दंस, उसके बाद तुम सांस तक नहीं ले पाओगे कृष्णा। बिच्छू सूर, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी मुक्ति का समय नहीं आया है। एक नन्ना सा बालक मुझे मुक्ति का भय दिखा रहा है, उधर देख। बिच्छू से मेरी रक्षा करो, ये बिच्छू मुझे काट लेंगे। मैं क्यों तुम्हें बचाऊं सुदामा? बिच्छू सूर, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो स्वयं सुदामा को मारना चाहता था। मैं तो स्वयं सुदामा को मारना चाहता था। दुखी कर दिया है इसने मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? बालक तो गया, तुम इसके मित्र हो ना, तुम्हें भी इस पृथ्वी से विदा कर देता हूँ कृष्णा। दूत, तू मेरा दंत से नहीं बच सकता। पहले स्वयं को तो संभाल ले बिच्छू सर, मुझे बाद में मार लेना। लाओ मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं भी इतना हूँ। और मिलना चाहिए ना।
मुझे तो अत्यंत आनंद आया। अब तुम मथुरा जाओ और मामा श्री के प्रकोप को सहन करो। चलो कान्हा। गुफा में क्या कर रहा हूँ? चिंतित ना हो मित्र, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें स्मरण नहीं रहेगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। तेरे मृत्यु दंड का कारण तो मुझे पता है, पर तो तुझे क्षमा करने का कारण मुझे पता नहीं। दंड तो तुझे मिलेगा। रहने को, इसके नेत्र फोड़ दो। मुझे छोड़ दो। नहीं, क्षमा कीजिए महाराज। ये तेरे साथ होना निश्चित था। क्या कहा था मैंने कि वो बालक छलिया है, उसे चतुराई से मारना, शक्ति से नहीं। वो तुमने वही किया। पर आज देख तेरी दुर्दशा क्या है, लज्जा नहीं चाहिए तुझे? अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, उसे अपनी शक्ति से नहीं छल से मारूंगा, छल से। जादूगर, लो लड्डू खाओ। अरे खाओ खाओ, पूरा खा लो। ये भोज उस कृष्णा की मृत्यु के उपलक्ष में है। अब तक तो बिच्छू सूर ने उसे चिर निद्रा में सुला दिया होगा। महाराज, महाराज, आप, स्वागत है आपका महाराज। आप हमारी इस कुटिया में आए, हमारी कुटिया तो धन्य हो गई महाराज। स्वागत है आपका। किंतु महाराज, आप मुझे कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब आप चिंता मुक्त हो जाइए महाराज। आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान मैंने कर दिया है महाराज। मैंने उस कृष्णा को गुफा में भेज दिया है। अब तक तो बिच्छूसुर ने अपना कार्य कर दिया होगा महाराज। तुमने मेरे भांजे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत अधिक प्रताड़ित किया है। अभी मेरा शत्रु नहीं, मेरा मित्र बन चुका है। हम दोनों के बीच संधि हो गई है और तूने उससे बंधक बना के रखा है। लज्जा नहीं आई तुझे? बोल, आज के पश्चात ये नहीं, तू इसका दास है। क्षमा मांग। जी महाराज, क्षमा क्षमा। मैं इसका दास महाराज, ये जो कहेगा मैं करूंगा महाराज। मैं इसका दास, दास महाराज। बैठे बैठे आज्ञा देने की आदत हो गई है तुम्हारी।
अरे देख नहीं रहा है कृष्णा जी बाहर से आए हैं, जल की व्यवस्था कर, भोजन की व्यवस्था कर, शैया की व्यवस्था कर, आराम करने दे इन्हें। और सुन, आज के पश्चात कृष्णा जी तेरे कक्ष में रहेंगे। आई बात समझ में? जाओ शीघ्र। जी महाराज। जाओ। अभी व्यवस्था करते हैं महाराज। चलो दाऊ, अब धनु काका अपनी हवेली में हमारी सेवा करने के कार्य में व्यस्त हो गए। चलो काना, हमें भी शुरायु के पास जाना है। क्यों शुरायु, तुम तो कहते थे तुम सबसे बड़े धनुर्धर हो, किंतु तुम उस त्रिंकुश से ही पराजित हो गए। अरे ये तो इस दिन छल से जीत गया था, नहीं तो इसके बस का कुछ भी नहीं है। क्यों सुरायु, डिंगे तो बड़ी बड़ी मार रहा था, लेकिन आज तेरे पोर फूल गए, तुम्हें कुछ नहीं आता। मारो, 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 मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारना मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। सुरायु भयवश लक्ष्य से भटक गया है दाऊ, बस इसलिए मैंने उसे एक स्वप्न दिखाकर उसे मार्ग दिखाया है। कृष्ण और बलराम मुझे बचाओ, मैं उस त्रिंकुश से हार गया और पूरे गांव वाले मेरा उपहास कर रहे हैं। वो तो मात्र स्वप्न था, किंतु यदि तुम नहीं चाहते कि वो स्वप्न सत्य हो तो त्रिंकुश का सामना करो मित्र। नहीं नहीं, मैं उस त्रिंकुश का सामना नहीं कर पाऊंगा, वो मुझसे अधिक योग्य है। तुम्हें त्रिंकुश की योग्यता का अनुमान तो हुआ है, अब इसे एक सुअवसर समझो मित्र, और जमकर अभ्यास करो और अपने पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। सच कह रहे हो कान्हा? मात्र दो दिन, मेरी बात मानकर देखो, स्वयं जान जाओगे मित्र। अरे बलराम, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी सेवा का आदेश नहीं मिला है मुझे, जाओ यहाँ से। धनु काका, तुम दास हो ना, और दाव मेरे कौन है ये तो तुम अच्छे से जानते हो। यह मथुरा तक संदेश पहुँचाऊं? कोई बात नहीं बलराम जी, आप विराजिए, मैं आपके लिए बड़ी गर्मा गर्म पूड़ियां अभी तल के लाता हूँ। ला रहा हूँ पुत्र, ला रहा हूँ। और पूरी लाओ, पूरी लाओ, पूरी। जल्दी कीजिए। काका, हाँ। बदला ले रहे हैं क्या? लगता है हथौड़े बरसा रहे हैं आप। तनिक हौले से हाथ पैर दबाइए, हम छोटे छोटे बालक हैं ना। ये क्या, धानों की मति स्थिर है या नहीं? ये कृष्णा की चाकरी क्यों कर रहा है? अरे स्वामी, आपकी सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है, भला हम आपके ऊपर हथौड़े क्यों चलाएंगे? महाराज, महाराज आपने तो मेरे घर पे आकर मुझे आदेश दिया था और बताया था
कि कृष्णा के साथ आपकी संधि हो चुकी है, वो आपका मित्र बन गया है। और साथ में आपने ये भी कहा था महाराज कि हमें उसकी सेवा करनी है। तुम मूर्ख थे ये मुझे पता था, पर तुम तो महामूर्ख निकले। अरे क्यों संधि करूंगा मैं अपने शत्रु से, उस कृष्णा से, अपने काल से, अपने मृत्यु से, क्यों? अरे हाँ, तुमने कहा था तुम्हें सेवा करने में आनंद आ रहा है, तो काम करते हैं आज। तुम दोनों मेरे संपूर्ण सेना के लिए भोजन बनाओगे। ले जाओ इन्हें। महाराज बिच्छू सुर, मेरी बात ध्यान से सुनो।